फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मॉडल के एम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेके क्वेश्चन नंबर एट तक आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इनको देख लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और बुक्स आपके सामने होंगी, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। पार्क के अंदर बच्चों के खेलने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, दो स्लाइड्स बनाए जा रही हैं। स्लाइड्स कैसी होंगी, जैसे कि आपने देखे होंगे स्लाइड्स इस वे में होगी कि जैसे बच्चे इस पे चढ़ते हैं और उसके बाद फिसल के कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, ऐसी टू स्लाइड्स की बात कर रहा है। ये टू स्लाइड्स की बात करेगा तो हमने टू स्लाइड्स बना दी हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, इसने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी कर दी है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्लाइड है। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, इसका नेमिंग दे देंगे हम अपनी तरफ से ए बी सी। इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब आपको पता है कि ग्राउंड के साथ एंगल कहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक स्लाइड्स की बात ख़त्म हो चुकी है, दूसरी स्लाइड्स की बात देखेंगे अब। उसके अंदर क्या बताया गया है, वेयर एज फॉर द एल्डर चाइल्ड, मतलब क्या है कि एल्डर बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चाइल्ड या चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए थोड़ी बड़ी स्लाइड्स बनाएगा क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। देखिए उसने क्या किया, अब जो उसकी हाइट है उसकी हाइट को कितना रखा है, 3 मीटर। थोड़ा साइड में बढ़ा लेते हैं इसको, साइड्स में या नीचे बना लेते हैं इसके। आई होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर, ठीक है। नेमिंग दे दी इसकी मैंने पी क्यू आर। अब यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एंगल कितना दिया हुआ है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा ग्राउंड के साथ क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे तो क्या आएगी, टॉप आएगी, यहीं पे आएगा ग्राउंड, तो हमने वही चीज़ को बना दिया है। वट शुड बी दी लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस, हमने क्या बताना है ईच केस के अंदर, स्लाइड्स की लेंथ बतानी है, मतलब यहाँ पर एसी फाइंड आउट करना है और यहाँ पर क्या करना है, पीआर फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें आपको हो गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर इनके लिए क्या है, ए बी
इज द हाइट ऑफ, क्या चीज है ये? स्लाइड्स है, ए बी इज द हाइट ऑफ किसकी? स्लाइड्स। कितनी देर की ये? 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एलिवेशन टू द ग्राउंड कितना दे रखा है ये? 30 डिग्री। अब हमने करना क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि एक साइड दे रखी है अपने को, एक एंगल दे रखा है, एक साइड निकालनी है। अगर ये निकालनी है तो ये भी निकाल सकते हैं, ये निकालनी है तो ये भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही सेम इस पार्ट में, एंगल दे रखा है अपने को, एक साइड से दे रखी है तो ये निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक पार्ट को देखते हैं, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? ए बी सी। इसके अंदर क्या रहेगा कि हमने ऐसा रेशो लेना है, साइन कोस टेन या कोसिकेंट कोस ये कोट और कोटेंजेंट, उनमें से क्या लेना है कि 6 रेशो में से ऐसे रेशो लेने हैं जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आए। रिकॉल करवाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, साइन कोस टेंजेंट, ये साइन है। अगर साइन की बात करें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, ये बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर हम क्या लेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू, जो एंगल देखिए मैंने ये अपनी तरीके से लिया, मैंने साइन लिया है और 30 कैसे लिया है, यहाँ पे 30 गिवन है। साइन होता क्या, पी बाय एच, क्या पी रेशो एच आ रहा है तो हम सही चल रहे हैं। पी बाय एच तो मतलब क्या आ जाएगा, पी क्या है, ए बी, डिवाइड बाय एच कितना आ जाएगा, एच हमने क्या ले लिया, एच। एक चीज रह गई है जो कि क्या है, हम यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेट दिस स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, इसको हमने क्या लेट कर लिया, एच लेट कर लिया। एच लेट करेंगे तो भी क्वेश्चन ठीक जाएगा, अगर एच की जगह आप ए सी भी रखेंगे तो भी क्वेश्चन क्या जाएगा, ठीक जाएगा। यहाँ पर ए बी वाई क्या लिख देंगे, एक बार ए सी लिख देंगे, साइन 30 इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, साइन 30 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू कितनी है, एच, ठीक है। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 आपने यहाँ पे पुट करना है। ऐसे ही आपने क्या लेनी है, दोबारा से लिखना है फॉर एल्डर स्टूडेंट्स, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या लिया है, पी क्यू उसकी हाइट है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है, और पी आर इसको हमने एच की जगह, देखो इसको कैपिटल एच लिया है या स्मॉल एच लिया है, तो इसको क्या ले लेंगे, कैपिटल एच, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट लाइन जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है और वही हमने बतानी है, द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन एच केस, लास्ट में लिखनी है आपने, जब इसके सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन, लिख देंगे हम फॉर, सबसे पहले क्या था, फॉर बिलो 5 ईयर स्टूडेंट एंड एल्डर स्टूडेंट्स इज, ये पहले लिखनी है हमने, किसकी लिखनी है, पहले बिलो 5 ईयर की, एंड यहाँ पे किसकी लिखनी है, एल्डर स्टूडेंट्स की रिस्पेक्टिवली,
ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसको बुक्स के अंदर बंद नहीं करना है, ये वैसे बताया जा रहा है कि आपने लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है। ऐसे ही हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा स्टार्टिंग के अंदर, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है देखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक ही मेथड चलेगा इसमें, साइन कोस टेन, बाकी आपने जो भी लेना है वो भी लेते रहें, ठीक है। कि फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। देखिए क्या बोला गया है, डायग्राम आपको हर क्वेश्चन के समझाया जाएगा, डायग्राम के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए एक दो पॉइंट बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के बाद, आपने उन पॉइंट को बिल्कुल अच्छे वे से समझना है। जिसको ना समझ में आए आपको फिर से नंबर दे रहे हैं 9466080966, इस पे आप मैसेज या कॉल करके पूछ भी सकते हैं। वो चीज़ें क्या होंगी कि आपने उस चीज़ को बार बार अप्लीकेबल करके देखना है, या डी प्रोटेक्टर की सहायता से बता दिया जाएगा आपको क्या पॉइंट हैं। कि इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर है ये, टावर का फुट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इस फुट से जो एंगल बनेगा वहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर का डिस्टेंस है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 30 डिग्री। हमने क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब ये बताना है हमने, इसको हमने एथनिक लेट करें या कुछ भी करें, इसके आपने नेमिंग करनी है ए बी सी, बताना है फुट ऑफ टावर से और जो ये जहाँ पे हम हैं उसका डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, ऑफ एंगल ऑफ वैल्यूएशन कितना है 30 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बढ़िए उस पॉइंट की ओर जिसका इंतज़ार था अभी, क्योंकि बताया गया है। देखिए अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और इस लाइन से पहले इस ओर समझें, एंगल का क्या रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। जैसे जैसे इस 90 डिग्री से दूर होते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। 90 डिग्री से दूर होते जाएंगे तो एंगल क्या होगा, छोटा। अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ 90 से कम, इसको मान लिया मैंने, बोल दिया 75। अगर मैं इससे थोड़ा दूर उसी पॉइंट से एंगल बनाता हूँ, सेम हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, मान लीजिए 60 होगा। अगर मैं इससे एक एंगल और बनाता हूँ ये कितना होगा, मान लीजिए कितना हुआ है 45। इससे और आगे एक एंगल बनाता हूँ ये कितना है, 30 डिग्री होगा। ऐसे ही मतलब कहने का आपने समझना है कि जब भी बात करेगा इस 90 डिग्री के आसपास की तो एंगल बड़ा बनेगा, अगर इससे दूर की बात करेगा तो क्या एंगल कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसको आप उस तरफ करेंगे तो भी अप्लीकेबल ऐसा ही होगा, इस तरफ करेंगे तो भी अप्लीकेबल ऐसा ही होगा। ये पॉइंट्स आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में क्या रहेगा कि दो एंगल देगा अपने को, उन दोनों एंगलों से बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्वेश्चन को गलत कराते हैं।
अगर क्वेश्चन में पेपर में दे दिया एक एंगल 60 एक 30, इसको क्या ले लेते हैं 60 और इसको क्या लेते हैं 30, जो कि क्या है गलत है। यहां पर एंगल दूर होगा सेम पॉइंट से, वो एंगल क्या होगा छोटा, और ये एंगल क्या होगा बड़ा। हमेशा ये एंगल कितना रहेगा 30, ये कितना रहेगा 60। जो भी वैल्यू वो देगा वो एंगल होंगे यहां पर, न कि 30 और 60। कहने का मतलब क्या है कि आपको समझा दिया जाए, यहां पर ये एंगल बन रहा है 30 का, अगर यहां पर ऐसे ही एंगल बनता तो कितना का होता ये 30 का, लेकिन ये कहां पर जाता, ये यहां पर आसपास जाता, ठीक है, हाइट कम होती। लेकिन अगर सेम हाइट रखेंगे तो यहां से एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही देखिए ये एंगल ज़्यादा क्लोज दिख रहा है 90 के, देखिए सीधा है, ये थोड़ा उसकी तरफ बेंड हो गया, थोड़ा और बेंड हो गया, ये थोड़ा और बेंड हो गया, मतलब ऐसे सीधा स्ट्रेट, थोड़ा बेंड, थोड़ा और बेंड, थोड़ा और बेंड, थोड़ा और बेंड, मतलब अगर परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे तो एंगल क्या होंगे छोटे होंगे, परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे तो एंगल कैसे होंगे छोटे होंगे, एंगल छोटे होंगे या छोटा होगा, ये आपने पॉइंट नोट डाउन रखना है। कई कई बार क्या करते हैं कि आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज होके क्वेश्चन को के क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। ऐसे ही बात आएगी, देखिए ये चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं, अब आपको पता भी लग गया होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कि पेपर कैसा आने वाला है। पेपर अब की बार ऑप्शन टाइप ही आएगा, जैसा कि देखिए मैंने आपको मई में ही बता दिया था कि अब की बार जो पेपर होगा उसमें ऑप्शन टाइप पेपर आने की ज़्यादा संभावना है। अब बोर्ड ने बता दिया है कि 40 मार्क्स के क्या आएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने सारा सिलेबस ऐसे करना है, बाद में आपको जैसे भी ट्रिक्स होंगी आपको सिखा दी जाएंगी, ठीक से। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट क्या कर रहा है, जो ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे उड़ रहा है, कि 60 मीटर की हाइट से अबव है। अगर 60 मीटर की हाइट से अबव है तो ये क्या आ जाएगा, 60 मीटर ये क्या आ गई, काइट की हाइट, ये काइट है, क्या है काइट, इसकी क्या आ गई ये हाइट। देखिए अब द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट टू द ग्राउंड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेरी टाइट कर रखिए एक, जो इसे स्ट्रिंग है टेम्परेरी टाइट कर रखिए इसको। द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज कितना दे रखा है 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट, देखिए एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब इसकी, इसकी बात कर रहा है ये, इसको हमने क्या ले लिया h ले लिया, इसको निकालना है हमने। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, क्या वर्ड आया है स्लैक। स्लैक का मतलब क्या है कि जैसा कि धागा होता है अपने पास, धागे के अंदर क्या होता है कि वो अगर उसको टाइट नहीं रखेंगे तो कैसा दिखता है धागा, कई बार क्या करता है ऐसे हो जाता है, अगर इसको टाइट कर देंगे तो कैसा दिखेगा ये ऐसा, तो मतलब ये भी कैसा है धागा ऐसा है, ऐसे नहीं है कि बीच में से ऐसे हुआ है, अगर ऐसा होगा बीच में से, जैसे कि आपको ये बताया है
जिग जैग लाइन होगी तो हम उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए अब आपको क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है एक एंगल और ये आपने निकालनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे पहले भी, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना अच्छे से, फिर भी नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी और काम कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। ए 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक बॉय है जो कि कितना है 1.5 मीटर का, बॉय कितना है 1.5 मीटर का है, बॉय की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ये बॉय है यहां पर, कितना मीटर है ये 1.5 मीटर का, ठीक है। लेकिन जो ये बिल्डिंग के पास खड़ा है इसकी हाइट दे रखी है अपने को कितनी 30 मीटर। देखिए मीटर के अंदर है, ये नहीं है कि ये 1.5 फुट का है, 1.5 फुट का नहीं है, 1.5 मीटर का है ये। अगर 1.5 मीटर की बात कर रहे हैं तो 1.5 मीटर, चलो 1.5 फुट का मान लें हंसी मजाक के लिए। तो आगे क्या बोला है, दी एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 degrees एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। देखिए जो एंगल है वो 30 से कितना हो जाता है 60 degrees, कब, जब वो टुवार्ड द बिल्डिंग, टुवार्ड द बिल्डिंग मतलब क्या है कि बिल्डिंग की ओर जाता है, की ओर जाता है। अगर वो बिल्डिंग की ओर जाएगा, देखिए आपके लिए ही है ये मेहनत, क्या है, अगर ये 1.5 फुट का आदमी यहां से बिल्डिंग की ओर जाएगा, किस ओर जाएगा, उधर तो नहीं जाएगा, बिल्डिंग तो इधर है, अगर ये बिल्डिंग की ओर जाएगा तो यहां से मान लीजिए कि यहां पर आ जाता है। देखिए पहले तो हम इसको एंगल की बात करेंगे कैसे, अगर ये भी 1.5 मीटर है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, इसमें से 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, 30 में से एक जाएगा 29, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर ऊपर का लेंथ, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आदमी की हाइट उसने माप ली तो ये आदमी की हाइट इसमें से कैंसिल आउट करेंगे, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, बिल्डिंग की ओर जाएगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा, आपको पता होगा ये चीजें, अगर ये यहां से बिल्डिंग की ओर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो एंगल यहां पर कितना आएगा 60 डिग्री। देखिए अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है कब, जब ये यहां से बिल्डिंग की ओर जाता है, कौन, 1.5 फुट का आदमी, कहां पर जाता है बिल्डिंग की ओर, बिल्डिंग की ओर जाता है। देखिए बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट दे रखा आपको, आपने इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, ये 1.5 फुट का है, ये 1.5 फुट, इस हाइट को कितना लेना है आपने, इससे ऊपर की हाइट मापी जाएगी। देखिए इसकी आंखें तो ऊपर मिलेंगी, अगर मैन की हाइट को बताया गया है क्वेश्चन में तो उसकी आंखों से हम एंगल को बनाएंगे, ठीक है। आगे आएगा तो भी तो इतना 1.5 फुट का आदमी तो यही रहेगा, तो एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री, ये 1.5 फुट का आदमी है और ये बिल्डिंग है कितनी 28.5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे तो आपने बताना है। देखिए अगर ये 28.5 मीटर है तो इससे हम इस पूरे की लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, अगर ये 28.5 मीटर है इससे हम इसकी भी ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हम इसकी नेमिंग करते हैं, सबसे पहले लिखने का प्रोसेस बाद का रहेगा, ए ये बी
ये सी और ये क्या रहेगा, देखिए ये डी और ये क्या रहेगा ई पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी और डी की, ए बी डी के अंदर देखिए बना लेते हैं यहाँ पर छोटी ही ट्रायंगल, छोटी ही तो है ही, ये कितना है 60 डिग्री है, ये कितनी है 28.5 है। क्या मैं ए बी दे रखा है, एंगल दे रखा है, क्या मैं डी बी निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे कि निकाल सकते हैं, मेरे पास डी बी आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू आएगी, करेंगे क्वेश्चन को अभी। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई के अंदर क्या रहेगा? देखिए ए बी ई कहाँ पर है, ए बी और ई, ए बी के ई के अंदर क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 28.5, ये एंगल कितना दे रखा है 30। क्या हम बी ई को निकाल सकते हैं? आप बोलोगे कि निकाल सकते हैं। अगर बी ई को निकाल सकते हैं तो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ये बताना है हमने क्वेश्चन के अंदर कि जो ये 1.5 फुट का आदमी है यहां से लेकर यहां तक जितना भी चला है वो डिस्टेंस, मतलब डी ई निकालना है। क्या निकालना है? डी ई। बात देखिए आपको समझ में आ गई होगी, जो डी बी है वो कैसे बनता है, या हम डी ई को ही लिख लेते हैं। डी ई देखिए ये कैसे बनेगा, अगर मैं बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया है, ई आएगा नहीं, ये तो डी है अपने पास, बी से लेके ई तक माइनस करेंगे बी से लेके डी तक। देखिए इस बी से लेके ई तक में से सारी में से यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पैरेलल लाइन है, दोनों बराबर मिलेंगी, बी से ई तक जितना भी है इसमें से बी डी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वही बात की है हमने। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, समझाया जा रहा था आपको क्वेश्चन ये तो ऐसे, और ये चीज़ें करनी नहीं आपने कभी, बिल्डिंग की ओर जा रहा था, ये डायग्राम बनाना है सबसे पहले आपने, और डायग्राम देखिए चलो दोबारा से समझ लेते हैं डायग्राम को भी। इसने क्या बोला है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, 30 मीटर की बिल्डिंग है कोई, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर हम थोड़ा साइड में बना लेते हैं इसको, 30 मीटर की बिल्डिंग और इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 फुट का आदमी खड़ा है, आदमी बन गया। अगर ये 1.5 फुट का आदमी खड़ा है तो इसके सामने की बिल्डिंग क्या होगी, ये कितना होगा, 1.5 फुट होगा, 1.5 मीटर, मीटर है, फुट तो हम मजाक के लिए बोल रहे हैं। अगर ये सारा का सारा 30 दे रखा था तो ये कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। इसका जो आईज है इसकी वो बिल्डिंग की टॉप पर एंगल बना रही हैं, कितना का एंगल, 30 का एंगल बना रही हैं, कितने का एंगल, 30 का। जब ये यहां से लेके कुछ पॉइंट चलेगा यहां पर आ जाएगा, अब उसने देखा कि यहां से एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। हमने
क्या फाइंड आउट करना है, यहां से लेके यहां तक कितना चला, कितना चला। हम नेमिंग देंगे इसकी ए पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बी दे दिया हमने, ये पॉइंट सी दे दिया, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट कितना दे दिया ई। आपको क्लियर हो गया हुआ ये भी। हम सबसे पहले लिखेंगे ए सी बी एन बिल्डिंग, ए सी बी एन बिल्डिंग हुज हाइट हाइट इज कितना 30 मीटर। ये मत सोचना कि ये 28.5 है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, 28.5 यहाँ तक, 1.5 मीटर यहाँ तक, 1.5 मीटर इसके कारण काउंट की गई है, ये 1.5 मीटर, दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखिए हम लिख देंगे कि ए मैन स्टैंडिंग, एक मैन स्टैंड है बिल्डिंग के थोड़ा साइड्स में, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। हम लिखेंगे ए 1.5 मीटर, ए टैल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ए टैल बॉय या ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है। अब लिख देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, कब, जब वो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है। व्हेन बॉय मूव्स फ्रॉम पॉइंट ई टू डी, ई से कहां जाता है डी, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है, बस इतना। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। हमने डी ई डिस्टेंस निकालना है, पहले निकालेंगे हम डी से, ये बी से लेके ई तक का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बी से लेके डी तक का, तो उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी लेंगे पहले, ए बी ई, ए बी ई, इसके अंदर क्या रहेगा, देखिए ये बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर के अंदर क्या लेंगे टेन, तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या आया ए बी डिवाइड बाय बी ई। टेन 30 कितना होता है 1/√3, ए बी कितना है 28.5, डिवाइड बाय बी ई को बी ई रख लेंगे, इसको इस साइड ले जाएं, इसको साइड ले जाएं, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ ले आए और इसको कहाँ ले जाएं उधर, समझ में आ रहा होगा, ये देख लीजिए इसको आप, क्या आ जाएगा ये बी ई इंटू में 1 BE, तो 28.5 इंटू में क्या आ जाएगा √3, ये अपने पास बी ई आ गया। अब करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, किसके अंदर देखेंगे ए बी डी के अंदर,
ट्रायंगल एबीडी आपने लिखना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी। इसके अंदर क्या रहेगा? टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी डी। टेन सिक्सटी कितना होता है? रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी 28.5 डिवाइड बाय बी डी। देखिए एक ही मीटर के अंदर दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? मीटर, यूनिट नहीं भूलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी डी। इसको इस साइड ले जाएं और उसको कहाँ लिए? नीचे। तो क्या आ जाएगा? बी डी इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? रूट थ्री। अब हमने क्या करना है? अगर मैं बी ई में से बी डी को माइनस कर दूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा? डी ई आ जाएगा। डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी ई माइनस बी डी। आप इसमें से इसको माइनस कर लें। देखिए बी ई क्या था अपने पास? 28.5 इंटू में रूट थ्री, माइनस करेंगे 28.5 डिवाइड बाय रूट थ्री। इसमें से इसको माइनस करना है, जो कॉमन आता है कॉमन ले लें, बाकी माइनस कर दें। देख लीजिए 28.5 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट थ्री। तो एलसीएम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री है तो एलसीएम यहीं पे ले लिया तो क्या आ जाएगा? रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? रूट थ्री इंटू में रूट थ्री क्या आ जाएगा? थ्री माइनस क्या आ जाएगा? वन। क्या आ जाएगा? 28.5 इंटू में थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा? टू बाय क्या आ जाएगा? रूट थ्री। इसको सोल्व करना है आपने, यहाँ से क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। अब आपने सेवन्थ क्वेश्चन जो कि खुद से ट्राई करना है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। डायग्राम देखें आप कैसे बनाना है हमने, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है डायग्राम। डायग्राम आएगा तो क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे।